गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू हो गया है, इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा एक वेडिंग गेस्ट लुक करते हैं। तो मैंने ये पहना है लहंगा और साथ में मैंने दुपट्टा पेयर किया है। इसके साथ एक्चुअली ये दुपट्टा था, बट अगर मैं ये दुपट्टा लेती ना तो थोड़ा लुक जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, सब रेड रेड हो जाता। तो इसके साथ मैंने ये ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा पेयर किया है। सो दिस इज द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड। और जितने भी प्रोडक्ट्स, जो भी हर एक चीज़ मैं यूज़ करूँगी इसमें, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डायरेक्ट लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ मैंने मैंशन नहीं की तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, मैं जल्दी से अपडेट कर दूंगी। एंड या अब शुरू करते हैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करना। ओके गाइज, हमेशा की तरह कोई भी मेकअप लुक शुरू करने से पहले मैं करती हूँ स्किन केयर। सबसे पहले फेस वॉश जिससे मैं करती हूँ वो है डर्मावाइव हाइड्रा क्लेंजर। ये आपने हमेशा से देखा है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इससे फेस वॉश करने के बाद आज हम एक एडिशनल चीज़ करने वाले हैं। मैं एक शीट मास्क, कोई भी शीट मास्क हो सकता है, वो मैं नीचे लिंक दे दूँगी। वैसे इसका ये अवेलेबल नहीं है इस वक्त, ये मेरे पास पहले से पड़ा था, बट ऐसा कोई भी शीट मास्क जो आपके पास है, और अगर नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, देख लेना। मैंने शीट मास्क को अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया। इसको अब मैं 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखूँगी, और ये थोड़ा जब ड्राई हो जाएगा, जब मुझे लगेगा ओके अच्छे से चला गया मेरे स्किन के अंदर, उसके बाद ये देखो अभी ड्राई लग रहा है थोड़ा, अब इसको मैं कर दूँगी रिमूव। नाउ आई विल नॉट वॉश माय फेस। ये जो भी थोड़ा बहुत जो सीरम है वो मेरे फेस पे जो लगा हुआ है उसको भी मैं अच्छे से अपने फेस के अंदर जाने दूँगी, और मसाज करूँगी अपने फेस को अच्छे से। द स्किन इज़ ऑलरेडी ग्लोइंग। नाउ द लास्ट स्टेप फ्रॉम द स्किन केयर, नो एक्चुअली द सेकेंड लास्ट स्टेप हैज़ टू बी अ मॉइस्चराइज़र, अ गुड मॉइस्चराइज़र। आई हैव बीन यूजिंग दिस न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ऑलवेज इन माई मेकअप वीडियोज यू हैव सीन दैट। सो इससे अच्छे से मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, और बहुत अच्छे से देखो इस तरीके से मसाज करूँगी अपने फेस को, रिलैक्स करूँगी। थोड़ा रिलैक्स करोगे ना तो फेस पे एक जो नेचुरल ग्लो आता है ना, उससे आपका मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई एम हियर रिलैक्सिंग माय फेस, एंड अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ कोनों में, नोज़ के, थोड़ा ईयर्स पे, ये सब गर्दन पे करने के बाद व्हेन आई फील नाइस, नाउ आई एम मॉइस्चराइजिंग माई लिप्स। हियर आई एम यूजिंग शुगर का ये एक लिप बाम है, इसको मैं लगा रही हूँ। और या मूविंग ऑन टू द मेकअप नाउ। ठीक है, सबसे पहले हम लगा रहे हैं प्राइमर। प्राइमर मैं यहाँ पे नायका का यूज़ कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा लिया है। उसके बाद मैं ये स्टिक फाउंडेशन लगा रही हूँ। आज मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, आप लोगों को कुछ नया दिखाते हैं। तो वैसे यूजुअली मैं लिक्विड फाउंडेशंस लगाती हूँ, आज मैं स्टिक फाउंडेशन लगा रही हूँ। सो ये बता दूँ आपको, स्टिक फाउंडेशन ये वाला स्पेशली आई थिंक जिनकी अगर ड्राई स्किन है ना उनके लिए बड़ा अच्छा लगेगा और रहेगा। और साथ ही साथ अभी आप देखोगे इसकी एप्लीकेशन, इसमें ना ये थोड़ा हाई कवरेज, तो उससे क्या हुआ, जो मेरे एक्ने के मार्क्स या थोड़े डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हद तक, या पिगमेंटेशन जो है मेरे फेस पे कहीं कहीं पे, वो उसके लिए ना मुझे अलग से एक कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने लगाया है बहुत थोड़ा, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि इससे मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल तक की कवरेज मुझे मिल गई, तो उससे मुझे बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाना पड़ा, जब बहुत ही कम कंसीलर लगाना पड़ा। नेक्स्ट ये देखो अभी मैं बहुत ही कम वो लगा रही हूँ, एंड जब मैं लगा दी थी तब भी मुझे लग रहा था कि यार मेरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर हो गया है, बट एनीवे तो हल्का बहुत जहाँ पे मुझे और लगा थोड़ा सा, मैंने डार्क सर्कल्स को यहाँ पे ये शुगर का कंसीलर लेके, जो मेरा शेड है हमेशा आप यूज़ करते देखते आए हो, वो मैंने यूज़ किया, उससे मैंने अपने डार्क सर्कल्स को कवर कर लिया है, और थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन। वैसे तो सारी फाउंडेशन नहीं कवर कर ली थी इस वाले ने। अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट, उसके लिए मैं अपने शेड से 2 शेड लाइट एक कंसीलर ले रही हूँ। ये मेबेलिन का कंसीलर है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, अब आप आजकल मुझे यही देखते हो यूज़ करते हुए। तो इसको मैं अपने जो हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पे लगा रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे मैं लगा रही हूँ वहाँ डैबिंग मोशन में इसको एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग नहीं करना है, और इस तरीके से मैं डैब मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है। वंस दिस इज़ डन, अब हम करेंगे पैक अपने बेस को, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी का, बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट लगता है। ये मैंने एक बहुत सस्ती मेकअप किट बना के आप लोगों को दिखाई थी, तब उसमें इस्तेमाल किया था और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इतने महंगे महंगे पाउडर यूज़ करने बंद कर दिए। तो अब उससे मैंने पैक किया जहाँ जहाँ स्पेशली कंसीलर लगाया था वहाँ पे। अब मैं ये नायका का ब्रश ले रही हूँ और शुगर का मैंने कॉन्टोर लिया है और उससे मैं अब वापस थोड़ा सा अपने फेस को स्ट्रक्चर ला रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर ये सब लगाने से जो आपका फेस का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक गायब हो जाता है और फेस बहुत फ्लैट लगता है, ठीक है। तो वापस से थोड़ा स्ट्रक्चर और थोड़ा सा शेप लाने के लिए मैं सबसे पहले कॉन्टोर कर रही हूँ अपने चीक्स को, उसके बाद थोड़ा ये जॉ लाइन को और फोरहेड को और नोज़ पे भी मैं बहुत हल्का सा एक ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यू नो डील विद द ब्रश, एक ही ब्रश से आप बहुत काम कर सकते हो। उसके बाद सेम ब्रश से मैं ब्लश भी लगा रही हूँ, ये फिट मी का मेबेलिन का ही ये ब्लश भी है, सबके लिंक्स मैं नीचे दे दूँगी, देख लेना। अब मैंने इसी ब्रश को वापस अपने हथेली पे या आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, साफ़ करके जो हमने पाउडर लगाया था स्पॉन्ज से उसको भी साफ़ कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू हाईलाइटर। ओ गॉड, दिस इज़ सच अ गॉर्जियस हाईलाइटर, आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट पता नहीं कितनी वीडियोज़ आप देख रहे हो। सो अब मैं इससे अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ गाइस, सेम ब्रश, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ योर मनी इन टू मेकअप ब्रशेस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आता जाएगा कि भाई बहुत कम ब्रशेस चाहिए आपको मेकअप करने के लिए, ठीक है। अब आप देख रहे हो फेस कितना मेरा अच्छा, एक नेचुरल ग्लो भी है और हमने हाईलाइटर भी बड़ा अच्छा लगाया है। अब मेरा जब बेस हो गया तो मैं ये मैक का मेकअप फिक्सर है, ये अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, इससे मेरा सारा बेस जो है वो फिक्स हो जाएगा। और थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से मैं वापस सारे प्रोडक्ट्स को ऐसे अंदर पुश कर रही हूँ और एक दिस इज़ हाउ एक्चुअली आई फील, थोड़ा सेटिस्फाइड मेरे को करना मांगता है हमेशा। अभी हम कर रहे हैं आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं अपना यही फेवरेट प्रोडक्ट ले रही हूँ, शुगर का जो ब्राउ पाउडर है। मुझे बहुत इजी लगती है यार इससे आईब्रोज करनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है झट से हो गई। और कई लोग लिखते हैं कि आपकी एक आईब्रो आपने अलग की है, एक आईब्रो अलग की है। मेरी आईब्रोज में एक्चुअली थोड़ा फ़र्क है, वो फ़र्क इसलिए है क्योंकि मेरी एक आईब्रो के बाल थोड़े से टेढ़े आते हैं स्टार्टिंग में और दूसरी के नॉर्मल हैं। सो एनीवे, सो या जब मैंने ब्राउ पाउडर लगा लिया तो मैंने किसी भी स्पूली से थोड़ा सा इसको वो भी कर दिया ब्लेंड, सो दैट कोई हार्श ऐसे पाउडर लगा हुआ ना दिखे, ठीक है। अब हम शुगर की एक ये यूज़ कर रहे हैं आई शेडो पैलेट और मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, नीचे मैंने लिंक डाल दिया है एक सिमिलर फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश का, आप लोग देख लेना। तो पहले ये कलर लेके मैं क्रीज पे लगा रही हूँ। आई नो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस वीडियो में शुगर के हो गए हैं, बट आई एक्चुअली यूज्ड माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स फॉर दिस वीडियो, सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द डार्कर कलर। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बारीक ये वाला ब्रश लिया है, नीचे लिंक दे दिया है। इसको मैंने लगा रही हूँ सिर्फ क्रीज़ वाले एरिया पे, ओनली क्रीज़, ठीक है, यहाँ पे लगाया। उसके बाद अभी हमें एक लास्ट लेना है शिमरी कलर, ये बड़ा ही सुंदर कलर है जो अगला हम यूज़ करेंगे, वो है रोज़ गोल्ड कलर, ठीक है। उसे लगाने से पहले यहाँ पर आई एम एक्चुअली टेकिंग द ब्रश फ्लफ़ी वाला और सब कुछ आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। ये मैंने उंगली पर लिया है रोज़ गोल्ड कलर और इसको मैं लगा रही हूँ। अभी देखना आप फाइनल लुक इतनी सुंदर आएगी गाइस। ओ हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना सुंदर कलर होगा। मैंने पहले यूज़ किया हुआ है बट मे बी आई हैड फॉरगॉटन कि ये इतना सुंदर कलर है। अब जो ऊपर लगाया ना, नीचे वही उंगली से ही मैं नीचे भी लगाया, देखो इसके लिए भी मैंने अलग कोई ब्रश यूज़ नहीं किया, ऊपर भी लगाया नीचे भी उंगली से ही लगा दिया है। देखो कितनी सुंदर लग रही है आईज, सही में मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, सुंदर आईज बहुत अच्छी लग रही हैं। अगेन यूजिंग माय वेरी रेगुलर के ब्यूटी का मस्कारा और इसको मैं बहुत अच्छे से लोड कर रही हूँ। आप देख रहे हो फ़र्क, देख रहे हो दोनों में मस्कारा लगाना से आँखों में, तो ऊपर नीचे यही मस्कारा मैं लगा रही हूँ। एंड मेरी आईब्रो ये जो आईलैशेज़ है ना बड़ी छोटी हैं, लेकिन ये अच्छा अगर मैं कोई वो लगाऊँ ना मस्कारा तो उससे बहुत एकदम से फ़र्क पता चलता है, देखो। बट आज हम फॉल्सीज़ भी लगा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं एक फेक आईलैशेज़ लगा रही हूँ, बस मन था, वैसे इसके बिना भी चलता बट बस मन था आज। और अब हम कर रहे हैं अपने लिप्स को लाइन। और उसके बाद जो लिपस्टिक हम यूज़ कर रहे हैं वही अगेन जो मैं आजकल अब फिर से यूज़ करने लगी हूँ। पहले मैंने नंबर 7 गैब्रियल इतने पता नहीं 1 साल 1.5 साल तक यूज़ किया, अब मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ। अब कुछ टाइम तक इसको देखना पड़ेगा लिपस्टिक को आप लोगों को। तो अब ये और उसके बाद मैं चेंज करती हूँ पहले, हाँ चेंज करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ बॉडी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी ऐसा नेक वेक सब एकदम डीप है तो थोड़ा दिख रहा है। तो अगर आपका भी ऐसा दिख रहा है थोड़ा डीप आपने कुछ पहना हुआ है तो मेक श्योर फेस आपका नहीं चमक रहा हो, बाकी बॉडी भी थोड़ी अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये ग्लो ऑयल है एक मेरे पास, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आई डोंट थिंक इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए इसका लिंक नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता एक मैंने लिंक दे दिया है नीचे, डोंट वरी। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप वो ले सकते हो। बिंदी लगाई है एक स्टोन छोटा सा और दुपट्टा लिया है एंड दिस इज़ इट। इसके बाद हाँ ईयररिंग्स भी पहनने हैं हमें, ईयररिंग्स जहाँ के हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, क्योंकि मैंने इसके साथ वाइट दुपट्टा पेयर किया है तो ये ईयररिंग्स जो मैंने पहने हैं वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, उसमें वाइट है तो एकदम एवरीथिंग यू नो मेड सेंस। एनीवे दिस इज द मेकअप लुक, आई होप यू गाइस एंजॉयड। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला लुक तैयार करके, ऐसा वेडिंग वाला फील आ गया। वेडिंग सीजन ज़रूर है लेकिन हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार में या किसी दोस्त में किसी की शादी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यार शादी होती तो कितना अच्छा होता, मैं ऐसे तैयार होकर जाती। बट एनीवे मेरे काम का नहीं है बट आप लोग के काम का ज़रूर होगा। सो या दिस इज़ इट। अगर आप लोग इस मेकअप लुक को क्रिएट करते हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता भी देना, और अगर फोटो खींचते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर देना, आई वुड लव टू रीपोस्ट द पोस्ट। एंड या इसी के साथ मैं आप लोग को बोलती हूँ बाय एंड आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून in my next video. Till then, bye bye, take care guys.